गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट बता दीजिए क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। वेरी गुड मॉर्निंग करण, राजदीप, आरती, रोशन, रैना। आज थोड़ा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा इसी गले के साथ, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है गले में। एनीवे लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं थोड़ा धीरे बोल के पढ़ा लूँगी। मुझे बता दो, मैं अगर इस टोन में आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है अच्छे से? मुझे एक बार ये बता दो, अगर मैं इसी टोन में पढ़ा दूँ, ज़्यादा ज़ोर से ना बोलूँ, वैसे तो ठीक ही बोल रही हूँ लेकिन फिर भी क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणाम अंकित, बता दो यार, बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधानों में अक्सर हमको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना? ठीक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, राजदीप, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो भाई स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी पे। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, जो भी क्लास का पीडीएफ है दोस्तों, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को। ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप कर लीजिए। ये आपको ऊपर दिख रहा है साइन अप। जब आप लॉगिन नहीं करना है शुरुआत में साइन अप करना है। साइन अप करके अपना नाम, मेल और जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं इस ऐप पे, मैं आपको बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं अभी दो बैच हमारे चल रहे हैं, क्योंकि दो दो बैच का हम एक कॉम्बो लेके चलेंगे। लगभग 10 जनवरी तक मेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीटी फोकस होंगे। याद रखिएगा, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2022-23 मात्र 2100 रुपये में आपका ये बैच है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी करा रही हूँ विद करंट अफेयर्स, ठीक है, विद एक तरीके से आंसर राइटिंग। तो आप जुड़ सकते हैं इस पॉलिटी बैच में, मात्र 2100 रुपये में ये बैच है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स का बैच चला हुआ है, इवनिंग में 5 PM to 6:30 PM। यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आंसर राइटिंग के साथ पूरे सिलेबस का कवरेज और करंट अफेयर्स को ऐड करके आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ही जल्द आ रहा है दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत जल्द, बेसिकली 22 आ चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 22 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो मात्र 8000 रुपये में। कंप्लीट एक तरीके से ऑप्शनल आपको मिल रहा है, जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड, एंशियंट और मेडाइवल चारों पेपर आपके कंप्लीट होंगे, आंसर राइटिंग, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से हम चलेंगे। तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल यदि आपको पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा क्लास के बाद, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैं इस आवाज में बोल रही हूँ, मुझे एक बार और बता दो, क्योंकि गला कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा था मेरा, मैं मतलब, लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ी देर पढ़ा दूँ, है ना। ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, सबसे पहले हम यदि आपातकाल की बात करें तो आपातकाल वही पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो हमको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 356 तक, 352 से 360 तक आपातकाल की व्यवस्था है। इन तीनों, बेसिकली 352 से 360 तक तीन प्रकार के आपातकाल हैं, मैं अभी आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में बताने वाली हूँ। अभी आपको याद रखना है कि भाई भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकालों की व्यवस्था है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 में है ना। अब ये बेसिकली देश में किसी असाधारण परिस्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में इन आपातकालीन प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। भाई ऐसी सिचुएशन आ सकती है देश के सामने जो एक तरीके से असाधारण हो, जिनका मुकाबला करने के लिए सेंटर को ज्यादा पावर की जरूरत हो, है ना,
तो ऐसे में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई। भारत शासन, ये बेसिकली आपातकालीन प्रावधान दो स्रोत हैं इसके, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 और साथ ही जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों से प्रभावित थे। तो यदि आपसे पूछे भाई आपातकालीन प्रावधान, तो आपको 1935 यदि ऑप्शन में नहीं है तो जर्मनी का जो संविधान है वहां से हमने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई, यानी भाग 18 352 से 360 क्यों लिए गए, क्योंकि देश को असाधारण परिस्थितियों से बचाने के लिए कुछ एक बेसिकली विशेष शक्तियों की जरूरत थी, तो हमने आपातकालीन प्रावधानों के तहत वो ली। और बेसिकली जो आपातकालीन प्रावधान है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे तथा जर्मनी के संविधान से अधिग्रहित किए गए हैं, बेसिकली लिए गए। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो जो आपातकाल है वो कितने तरीके का है, तो ध्यान रखिएगा तीन तरीके के आपातकाल की व्यवस्था है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राज्य आपातकाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस राज्य आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं सरल भाषा में। ठीक है, राज्य राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यानी हमारे आपातकालीन प्रावधानों में तीन प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। हम एक एक आपातकाल को उठाएंगे, है ना, और उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई ये आपातकाल होगा तो इसके क्या प्रभाव होंगे, अलग अलग क्या प्रभाव होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें 352 की, है ना, 352 की यदि बात करें, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है क्या, 352, 352। ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, मतलब पूरे राष्ट्र के स्तर पे आपातकाल लग जाए या किसी एक भाग में भी ये राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, उसे हम 352 के तहत ही बेसिकली गाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे तीन आधार हैं, ये तीनों आधार टिप्स पे होने चाहिए कि युद्ध किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, जैसे मान लो भारत चाइना युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भगवान ना करे फ्यूचर में कोई युद्ध हो, मतलब लेकिन युद्ध की कंडीशन में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह, देश में विद्रोह उत्पन्न हो जाए, मतलब बड़े स्तर पे विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मार काट एकदम बड़े स्तर पे छिड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत या इसके राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग की सुरक्षा संकट में, या तो पूरे भारत की सुरक्षा संकट में है, या किसी भूभाग या भारत के किसी राज्य की सुरक्षा संकट में है, किसी एक भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति, पहली बात, राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। तीन आधार याद रखने हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में पूरे भारत या भारत के किसी एक भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, यहां से पीटी में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मूल संविधान में ना ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, ये जो तीसरा वर्ड देख रहे हैं ना आप, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो मूल संविधान में ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इस पद का उल्लेख नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले यहां पे ना आंतरिक अशांति शब्द था, क्या शब्द थे, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द थे, लेकिन हुआ क्या, 1975 में जो आपातकाल लगा वो आंतरिक अशांति के आधार पे लग गया, और बहुत ही एक तरीके से खतरनाक स्वरूप में लगा भाई, बिना किसी बात के ही लगा एक तरीके से। और उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, जनता दल की गवर्नमेंट आती है, तो उस सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को खत्म कर दिया। उन्हें ये लगा कि भाई आंतरिक अशांति का दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है, छोटी सी आंतरिक अशांति बता के यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो ये संघात्मक ढांचे पे चोट हो सकती है, क्योंकि आपातकाल के दौरान संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है ना ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए। तो फिर हुआ क्या, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया, याद रहेगा आप, यानी आपसे यदि ये पूछे कि भाई युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में ही 352 लगाने के आधार है,
तो मुझे ये बताओ ये सही होगा कि गलत होगा। समझे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान से ही 352 लगाने के आधार हैं। तो याद रखना ये गलत हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, दो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर। अगली बात, युद्ध। अब इसमें भी कैटेगरी होती है दोस्तों, दो आधार होते हैं, एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण। यानी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण हो रहा है, यानी दोनों चीजें बाहर से हो रही हैं। मेरी बात समझे, दोनों चीजें बाहर से हो रही हैं। तो यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो उसे बाह्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है, समझे। और तीसरा जो आधार है सशस्त्र विद्रोह, ये ये जो सशस्त्र विद्रोह है तो देश के अंदर होगा विद्रोह, देश के आंतरिक भाग में विद्रोह होगा ना, तभी तो हम इसे सशस्त्र विद्रोह कह रहे हैं। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के तौर पे जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यानी तीन आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि आपातकाल लगता है तो उसे बाह्य आपातकाल कहेंगे, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो उसे आंतरिक आपातकाल कहेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन तो आगे आएगा सोनू, अभी सब्र करो बच्चे, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, वो 356 आएगा। पहले एक बार हम 352 को कंप्लीट करते हैं ना। राष्ट्रपति शासन एक अलग मुद्दा है, वो फिर हम अलग से पढ़ेंगे। 352 में ये दोनों चीजें समझ में आई, ठीक है भाई। अब तीसरी बात आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि यदि आसन्न खतरा सन्निकट प्रतीत हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले भी कर सकते हैं। यानी यदि आपसे पीटी में ये क्वेश्चन बनता है कि भाई आक्रमण होने के बाद ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो याद रखिएगा इस तरीके का स्टेटमेंट गलत होगा। कंसेप्ट समझ में आया? यानी यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, है ना, युद्ध हो सकता है किसी देश से, बाह्य आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो वो घटना से पहले भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यदि हम क्षेत्रीय विस्तार की बात करेंगे तो वहां से आने से पहले यहां तक क्या पढ़ा हमने, तीन आधार पे ये आपातकाल लगेगा जी, सशस्त्र विद्रोह पहले संविधान में नहीं था, आंतरिक अशांति था, 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे आपातकाल लगता है तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल लगता है तो उसे आंतरिक विद्रोह कहते हैं, और यदि आसन्न खतरा सन्निकट है, नजदीक है, तो पहले भी आपातकाल लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब यदि इसके क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश या इसके किसी खास हिस्से के लिए भी लागू की जा सकती है। यानी हम राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि मैंने शुरू में ही बताया, हम पूरे देश के लिए भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति बेसिकली कर सकते हैं, और किसी एक भाग के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे राष्ट्र के लिए ही आपातकाल लगेगा, किसी एक भाग में भी तो सशस्त्र विद्रोह हो सकता है ना, तो हम केवल उस भाग में 352 लगा दें। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों 356 और 365, जब मैं 356 पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी बच्चे दोनों में अंतर, पहले 352 पे कॉन्सेंट्रेट करो, आगे भागते हो यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चे। ठीक है, पहले 352 समझो अच्छे से, 356 मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्षेत्रीय विस्तार समझ में आ गया, यानी पूरे देश में भी और किसी एक भाग में भी। यदि हम प्रक्रिया और सुरक्षात्मक उपाय देखें, क्या है जी प्रक्रिया और सुरक्षात्मक उपाय, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, याद रखिएगा इसको, पीटी लिख लो। पहली बात तो लिखित सिफारिश और दूसरी बात मंत्रिमंडल, पूरे के पूरे संविधान में, पूरे के पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र केवल 352 में मिलता है। याद रखिएगा, मंत्री परिषद वगैरह जो है, मंत्री परिषद का जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल, जब आप 74 पढ़ते हो, 75 पढ़ते हो, 78 पढ़ते हो, तो आपको मंत्री परिषद का जिक्र मिलेगा, लेकिन मंत्रिमंडल का जिक्र केवल यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं।
आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही की जा सकती है, ना केवल प्रधानमंत्री की सलाह पे। पहले क्या होता था, ये प्रोविजन भी 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो ये 1975 का आपातकाल लगा, इसमें प्रधानमंत्री ने कह दिया किसको, राष्ट्रपति जी को। प्रधानमंत्री ने कह दिया प्रेसिडेंट को कि भाई प्रेसिडेंट जी थोड़ी स्थितियां खराब है तो आप आपातकाल लगा दो, और आपातकाल की घोषणा हो गई। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आपातकाल की उद्घोषणा हो गई। ये बेसिकली जब दूसरी गवर्नमेंट आई उसने ये सोचा कि भाई इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के निरंकुश होने की संभावना ज्यादा होती है ज्यादा व्यक्तियों की तुलना में। तो उन्होंने ये प्रोविजन किया कि भाई आपातकाल कब लगेगा, साफ साफ तौर पे मंत्रिमंडल, केवल प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लिखित में देना होगा कि राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा दीजिए, तब आपातकाल का आधार बनेगा। ठीक है, दो चीजें, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। यदि वो आपको देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पे लग सकता है तो क्या हो जाएगा, बता दो फटाफट, सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, साफ साफ तौर पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी करने की तिथि के, अब आपको याद रखना है, एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा दो चीजें विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित होने की जरूरत होती है। मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की, भाई मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश दे दी राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, आपातकाल की उद्घोषणा करने के एक महीने के भीतर, एक माह का समय दिया है, एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत, ये दोनों चीजें याद रखनी है, यानी एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन करना होगा। और विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। तो ये अनुमोदन करना होगा, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, समझे। अब ये तो फिर एक सब में ये वाली कंडीशन आएगी, मान लो यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो, मान लो उस समय लोकसभा है ही नहीं, विघटित है लोकसभा, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक जब होगी उसके 30 दिनों के भीतर अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए, बशर्ते इस बीच राज्यसभा इसे मंजूरी दे दे। क्या कह रहा है, मान लो यदि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी, पहली बात तो यदि लोकसभा सत्ता में है, यदि लोकसभा का विघटन नहीं हुआ है, तो दोनों सदन एक महीने के भीतर विशेष बहुमत द्वारा पारित कर देंगे। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो लोकसभा विघटित है, तो लोकसभा के पुनर्गठित जब होगी तो 30 दिन के भीतर लोकसभा के द्वारा पारित होना जरूरी होता है विशेष बहुमत से। लेकिन इस बीच, क्योंकि लोकसभा तो पुनर्गठित होगी फिर 30 दिन में पारित करेगी, इस बीच राज्यसभा को इसे पारित करना होगा। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। जैसे मान लो आज संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया विशेष बहुमत से, तो यह आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा, जारी रहा। प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अनिश्चित अवधि के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी ये एक बार में 6 महीने के लिए लगेगा, 6 महीने के बाद फिर से संसद का अनुमोदन होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन होगा, फिर से 6 महीने के लिए लग सकता है, फिर से 6 महीने के बाद अनुमोदन होगा तो फिर से लग सकता है, और अनिश्चित काल तक, यानी एक मैक्सिमम टाइम नहीं दिया गया है इसका कि भाई ये अधिकतम 3 साल के लिए लग सकता है कि 5 साल के लिए लग सकता है, ये कहा गया है कि हर 6 महीने में आपको इसे बढ़ाना होगा, और आप इसे अनिश्चित अवधि तक बढ़ा सकते हो, अनिश्चित काल तक इसे बढ़ा सकते हो। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, वैसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन ना लेना, लेकिन फिर भी वैसे मैं बता दूं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने ये देखा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से उद्घोषणा करेंगे, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पहले जरूरी नहीं होती थी, 44वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा, और जब राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देंगे तो संसद के दोनों सदन एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से
इसको अनुमोदन करेंगे, और यदि लोकसभा विघटित है तो ऐसे में राज्यसभा अनुमोदन करेगी एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से, और नई लोकसभा आने के 30 दिन के अंदर उसे इसे अनुमोदित करना होगा। यहां तक पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि देखो भाई, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, वो एक बार में 6 महीने के लिए ही लगेगा, और हर 6 महीने के बाद उसे रिन्यू करना होगा, मतलब हर 6 महीने के बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा उसे आगे बढ़ाना होगा। और हम राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित समय के लिए, मान लो कोई परिस्थिति 4 साल के लिए संकट में रहे, तो हम 4 साल, 5 साल, 8 साल, मतलब अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को हर 6 महीने के अनुमोदन के पश्चात बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुई? 6 से पहले नहीं हटाया जा सकता। नहीं 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 रोशन, ऐसा नहीं है, 6 से हटाया तो कभी भी जा सकता है। जैसे मान लो आज हमने आपातकाल की उद्घोषणा की, उसको अनुमोदन दे दिया, 2 महीने में हमें लग रहा है संकट पूरी तरीके से टल गया, तो हटाया तो कभी भी जा सकता है, हटाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, है ना। हटाया तो कभी भी जा सकता है, 2 दिन के अंदर भी हटाया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है हम उसको लागू अनिश्चित काल के लिए हर 6 महीने के बाद, ये नहीं है कि एक बार लगा दिया लगा रहेगा ना, हर 6 महीने के बाद उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। समझ में आई बात मेरी? बता दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रक्रिया और सुरक्षात्मक उपाय। ऐसे सभी प्रस्तावों को पहली बात तो विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। विशेष बहुमत का मतलब आपको पता है ना, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी जो टोटल, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कुल सदस्य संख्या मान लो 500 है, तो 500 का बहुमत कितना हो जाएगा? 500 का बहुमत हो जाएगा 50% + 1 यानी 250 + 1 251, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और 500 में से मान लो यदि 300 ही आए हैं तो 300 का 2/3 यानी 2/3 यानी 3 यानी कितना हो जाएगा 200। इतना बहुमत जब आएगा, दोनों को मिलाएंगे, तो उसे विशेष बहुमत कहते हैं। इसे मैं संविधान संशोधन में अलग से बता चुकी हूँ, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, दूसरी बात, उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव। अब जैसे अभी तक तो हम बात कर रहे थे उद्घोषणा कैसे लगेगी, अब हम बात कर रहे हैं मान लो उद्घोषणा को वापस लेना है ना, तो उद्घोषणा को वापस लेने का जो आधार है वो लगने के आधार से अलग होता है। जैसे उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन से 2 तरीके से भिन्न होता है। कैसे भाई? पहला, केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, यानी जब भी हमें आपातकाल को वापस लेना है, आपातकाल की उद्घोषणा को रद्द करना है भाई, वापस लेना है उसको, तो वो प्रस्ताव केवल लोकसभा से ही पारित होना होता है। केवल लोकसभा के सहमति की जरूरत होती है, राज्यसभा की सहमति की जरूरत नहीं होती जब वापस लेना है। लेकिन जब हम लगा रहे थे, है ना, तो हमें पता है दोनों सदनों से पारित होना जरूरी था। समझे मेरी बात? यानी जब लगाते हैं तो दोनों सदनों से पारित होना जरूरी होता है, और जब वापस लेते हैं तो केवल लोकसभा से पारित होना जरूरी होता है। अगला, पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है और दूसरे को विशेष बहुमत से। आपको पता है जब हमने लगाया था, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से लगाया था, अभी मैंने आपको बताया है ना, और जब हम वापस लेते हैं तो केवल लोकसभा की जरूरत होती है, और लोकसभा के भी साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। यहां से पीटी का क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बस ये एरियाज भी बता रही हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और कहाँ कहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा लगेगा, ठीक है, और जब आपातकाल वापस होगा तो केवल लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा वापस हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसका प्रभाव देखेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव के 3 आधार होंगे भाई। केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव को हम देखते हैं एक एक करके, और क्लास के लास्ट में ना मैं पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगी, तो टेंशन मत लेना, क्लास में याद करके उठोगे, एक एक पॉइंट याद होगा अगर ध्यान से सुन रहे हो तो, आपस में बतिया रहे हो तो हम क्या करें बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं केंद्र और राज्यों के संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
कार्यपालिका प्रभाव देखें तो राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। पीटी लिख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। यहां से सीधा सीधा कह देगा कि राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, साथ ही उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, या फिर ये कह दे कि आपातकाल की कंडीशन में राज्य सरकारों को निलंबित कर दिया जाता है। तो एग्जाम हॉल में ना हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको लॉजिकल याद रखना है। एक बात बताओ, राज्य सरकारों को यदि निलंबित कर देंगे, हाहाकार नहीं आएगा, राज्य सरकारें विरोध करेंगी, है ना। ऊपर से हमारा युद्ध चल रहा है किसी देश के साथ, तो हम आंतरिक समस्याओं को सुलझाएंगे कि युद्ध से लड़ेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि देखो भाई, हम आपको निलंबित नहीं करेंगे, समझे। यानी राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती है, हालांकि जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है, पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, निलंबित नहीं होगी, ठीक है। अगली बात, विधायी कार्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों में बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं, अभी बता रही हूँ, संसद केंद्र अथवा इसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची लागू करने की शक्ति और कर्तव्य प्रदान करती है। ये बोल रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो ऐसे में संसद क्या करेगी, केंद्र या इसके प्राधिकारियों या अधिकारियों को संघ सूची के विषय लागू करने की शक्ति और कर्तव्य प्रदान करती है, या राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने की शक्ति देती है। किसको? केंद्र और इसके अधिकारियों। कौन देगी? संसद देगी कि भाई आप ऐसी कंडीशन में राज्य सूची के विषयों पे भी कानून बना सकते हो। यानी राज्य सूची के विषय साधारण परिस्थितियों में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकारें बनाती है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति है, ऐसे में राज्य सूची के विषयों पे संसद के जो प्रतिनिधि है केंद्र अथवा इसके अधिकारियों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। वो अलग बात है कि राज्य विधायिका संसद द्वारा आपातकाल में जो राज्य सूची के विषयों पे बनाए गए कानून है आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद उन्हें समाप्त कर सकती है। 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं, उससे पहले भी समाप्त कर सकती है यदि बैठ के प्रस्ताव पारित करे तो, और यदि समाप्त नहीं करती है तो 6 महीने तक तो ये प्रभावित रहेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद ने जो राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाया है आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं, समझ में आया। अगली बात है वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा जी। तो भाई राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम कर सकते हैं, भाई देश को ज्यादा जरूरत है अभी संसाधनों की, तो कम भी कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। और वित्त वर्ष की समाप्ति तक राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। यानी वित्त वर्ष की समाप्ति तक राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को, मतलब जो भी आदेश राष्ट्रपति देते हैं कि भाई राज्यों को दिए जाने वाला जो फंड होता है, जो धन होता है, उसको समाप्त किया जाए या कम, उसको दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। यहां से इतना मतलब ये नहीं पूछेगा आवश्यक है कि नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। संसद यहाँ पे बहुत पावरफुल हो जाती है, जरूरी भी है, मतलब सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है। बस हमको यहाँ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, जैसे हमने देखा कि भाई केंद्र राज्य संबंधों पे जब प्रभाव पड़ा तो कार्यकारी क्या प्रभाव पड़ा, तो भाई केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, निलंबित नहीं होती है। विधायी क्या प्रभाव पड़ा कि भाई राज्य सूची के विषयों पे संसद कानून बनाने के लिए सक्षम हो सकती है, है ना। संसद के जो अधिकारी हैं, जो बेसिकली प्राधिकारी हैं, वो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकते हैं, और ये कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। क्या बोल रहे हो मैम, 6 महीने के पश्चात भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आपातकाल की क्या, मैंने बताया ना आपको, जैसे देखो इसको एक चार्ट के माध्यम से समझो। मान लो आज आपातकाल लग गया, ये 6 महीने तक लगा रहेगा आपातकाल, तो मान लो संकट तो मान लो अभी भी है, संकट अभी बना हुआ है, तो क्या होगा 6 महीने के बाद फिर से संसद के विशेष बहुमत के द्वारा क्या होगा, अनुमोदन होगा, फिर से 6 महीने के लिए लगेगा, फिर से अनुमोदन होगा, फिर से 6 महीने के लिए लगेगा। यदि संकट बना हुआ है तो ये अनिश्चित काल के लिए लग सकता है, लेकिन मान लो यदि संकट समाप्त हो गया तो ये कभी भी वापस हो सकता है, और वापस होने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। वापस होने के लिए लोकसभा के साधारण बहुमत की जरूरत होती है, बस
यदि लोकसभा अपने साधारण बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके ये कह देती है कि भाई संकट निपट चुका है और अब हम राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करते हैं, तो वो कभी भी खत्म हो जाता है। क्या बोल रहे हो, 44वें संशोधन जुडिशियल रिव्यू होगा और CA 38 जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। एक्सप्लेन, अभी आ रही हूँ भाई जुडिशियल रिव्यू पे, अभी थोड़ा सब्र करो, एक बार पूरा पढ़ लिया करो। 352 जैसे मैं पूरा पढ़ा दूंगी ना आपको, उसके बाद आपको यदि कोई डाउट है फिर पूछना, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है। 352 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो केंद्र राज्य संबंधों पे, कार्यपालिका पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, भाई निलंबित नहीं होगी लेकिन नियंत्रण में आ जाएगी। विधायी संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ा है, वित्तीय संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि राज्यों को दिए जाने वाले धन को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा जाएगा। अब बात करते हैं लोकसभा, ये दूसरा, पहला प्रभाव हो गया केंद्र राज्य संबंधों पे। दूसरा जो प्रभाव है वो हम देखेंगे कि भाई लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो 5 साल लंबा खिंच गया या मान लो 2 साल लंबा खिंच गया, ऐसे में ये लोकसभा भी विघटित होने वाली है, विधानमंडल भी अपने अपने राज्यों में विघटित होने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में चुनाव कराए जाए या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन किए गए हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है भाई, एक तरफ देश युद्ध से लड़ रहा है, बाह्य आक्रमण से लड़ रहा है ना, तो ऐसे में चुनाव करवाना संभव है क्या? तो ऐसे में चुनाव करवाना तो संभव है नहीं, तो हमने कुछ बेहतर व्यवस्था की होगी। तो क्या व्यवस्था की है, लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रख लेना। संसद विधि बना के लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मान लो आपातकाल अभी भी लगा हुआ है तो फिर से संसद इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी, मान लो फिर भी खत्म नहीं हुआ तो फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी, और ये अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। जैसे आपको पता है भाई अनिश्चित काल तक आपातकाल बढ़ सकता है, तो ऐसे ही लोकसभा का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। मेरी बात समझे, तो क्या प्रोविजन किया गया कि भाई सामान्य काल 5 वर्ष से आगे संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है और कितने भी अनंत समय तक बढ़ा सकती है, यानी जब तक आपातकाल लागू है तब तक बढ़ा सकती है, ठीक है, समझ में आया। अब अगला, किंतु यह विस्तार, ये जो विस्तार है कि भाई हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं, 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ा रहे हैं, ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी आपातकाल यदि समाप्त हो गया, मान लो आज आपातकाल समाप्त हो गया, तो अधिकतम ये जो बढ़ी हुई गवर्नमेंट थी, बढ़ा हुआ लोकसभा की अवधि थी, ये 6 महीने तक ही रहेगी, 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के अंदर, समाप्ति के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं, समझ में आया। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी राज्य विधान, मान लो विधानसभा का विघटन होने वाला है, तो ऐसे में संसद के पास ही पावर होगी, विधान मंडल के पास पावर नहीं होगी। संसद किसी राज्य विधानसभा के कार्यकाल को प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार, सेम टू सेम, संसद भी विधानसभा भी, लेकिन दोनों के कार्यकाल को कौन बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा संसद बढ़ा रही है। अब यहां से एक डाउटफुल क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा, कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में, क्वेश्चन सुनना उसके बाद बताना सही है कि गलत, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में संसद का कार्यकाल 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष तक संसद बढ़ा सकती है तथा राज्य विधानमंडल का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक राज्य विधानमंडल बढ़ा सकती है, ये कथन सही होगा कि गलत होगा। फिर से बोलूं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है, साथ ही विधानमंडल भी एक बार में 1 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। ध्यान रखना बच्चे, छोटे छोटे बिंदुओं पे
क्वेश्चन बनते हैं यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमारे कंसेप्ट इस हद तक क्लियर होने चाहिए कि भाई संसद को शक्ति है। जब एक बात बताओ, पूरा का पूरा विधानसभा संसद के कंट्रोल में आ गया तो फिर विधानसभा थोड़ी ना बढ़ाएगी अपना कार्यकाल। ध्यान रखना, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है एक बार में एक वर्ष के लिए, लेकिन वो कार्यकाल कौन बढ़ाएगा? वो कार्यकाल संसद बढ़ाएगी, है ना? समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दूसरे वाला गलत है, बहुत बढ़िया। अब मैं मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले मैं यदि आपसे पूछूं केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक बार में एक वर्ष तक कार्यकाल बढ़ा सकती है संसद विधि बना के, और राज्यों का भी विधानसभा का कार्यकाल भी संसद विधि बना के एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल के समाप्त होने के 6 सप्ताह तक ही, बेसिकली 6 सप्ताह, ये 6 माह से ज्यादा, सप्ताह नहीं सॉरी, 6 महीने से ज्यादा विस्तार नहीं हो सकता, यानी आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ? बिल्कुल सही बात है कमल, एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम एकदम खत्म हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि कंट्रोल में आ जाता है ना विधायिका, बिल्कुल सही बात। अब बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहां से पीटी में जबरदस्त क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, और बहुत डीप क्वेश्चन आता है। यदि यूपीएससी आ गई ना अपने पे, या पीसीएस, बढ़िया क्वेश्चन पूछना होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन की संभावना जबरदस्त होती है। जैसे आपको याद रखने हैं 2 अनुच्छेद, आपने अभी एक अनुच्छेद याद किया 352, आपने देखा 352 के तहत राष्ट्र आपातकाल लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे हट रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अब इसी अनुच्छेद का प्रभाव पड़ता है 2 अनुच्छेदों के तहत, एक अनुच्छेद है 358, एक अनुच्छेद है 359, यानी 359। तो सबसे पहले 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। याद रखना है ये उल्टी गिनती याद रखना, यानी जहां पे 8 है 358 है उससे आर्टिकल 19 जाएगा, और जहां पे 9 है इससे 19 को छोड़ के, क्योंकि 19 तो 358 में चला गया, और 20 और 21 को छोड़ के, क्यों मैंने 20 और 21 क्यों छोड़ा, कौन बताएगा? सबसे पहले मैंने 20 और 21 को क्यों छोड़ा, बताओ कोई है बताने वाला? वैसे सबको पता होना चाहिए, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विश्वेंद्र बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 20 और 21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होते हैं, है ना? इसलिए 359 में क्या होगा, आर्टिकल 19 को छोड़ के और 20-21 को छोड़ के बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट है वो गाइडेड होते हैं। क्या क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो 2 आर्टिकल आपको याद हुए, बिल्कुल सही बात है शुभम, जीवन का अधिकार नहीं छीन सकते, आदर्श कभी निलंबित नहीं होते, बहुत ही बढ़िया है। फातिमा, राजदीप, मनीष, मनजीत, प्रियंका, बिल्कुल सही बात है, ये निलंबित नहीं होते कभी भी। यानी अब आपको 2 आर्टिकल याद हुए, यानी 358 से आर्टिकल 19 गाइडेड होएगा, क्या होगा वो मैं बताऊंगी, और 359 से बाकी के फंडामेंटल राइट गाइडेड होंगे, ये निर्देशित होंगे। क्या होगा 358 आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है आर्टिकल 20-21 को छोड़ के। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 19 के अंतर्गत, यानी 358 के अंतर्गत क्या होगा, इस बात को समझना। ये जो 358 है ना, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार, इसको याद रखना, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, पीटी लिख लेना। मतलब क्या है, यानी जैसे ही 352 लगा, 352 में वो एक अलग मैं बताऊंगी और डिटेल बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझो, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा वैसे ही 358 लागू हो जाएगा, यानी 358 के तहत आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं दी हैं वो अपने आप निलंबित हो जाती है, स्वतः निलंबित हो जाती है, किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती। जैसे ही, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ही 352 आया वैसे ही 19 गया अपने आप, और जैसे ही 352 गया वैसे ही 19 आ गया, यानी निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती, आर्टिकल 19 के निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है। अगला, जब राष्ट्रीय आपातकाल
समाप्त हो जाता है। मान लो जब 352 हट गया, समाप्त हो गया, तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है, मतलब अपने आप प्रभाव में आ जाता है। मैंने बताया ना, जैसे ही मान लो 352 आया तो 19 क्या हो गया, चला गया, और जैसे ही 352 गया वैसे ही 19 अपने आप आ गया। मेरी बात समझे? यानी कि ये स्वतः निलंबित हो जाएगा, और जैसे ही 352 जाएगा ये स्वतः प्रभाव में आ जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा बेसिकली इस 358 में भी दो प्रकार से, एक तरीके से प्रभाव डाला गया। क्या? आर्टिकल 19 के द्वारा जो 6 मूल अधिकार हैं, ये केवल बाह्य आक्रमण में ही निलंबित होंगे, और बाह्य आक्रमण का मतलब, बाह्य आक्रमण नहीं, बाह्य आपातकाल में ही। और बाह्य आपातकाल का मतलब समझते हैं आप, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी आर्टिकल 19 के द्वारा जो 6 फंडामेंटल राइट है, उन 6 के 6 फंडामेंटल राइट को केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही बेसिकली निलंबित हो सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। इसे हम सरल भाषा में, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एक होता है बाह्य आपातकाल, यदि हम 352 को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें, और एक होता है आंतरिक आपातकाल। आपको पता है बाह्य आपातकाल लगता है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण हो तो बाह्य आपातकाल बोलते हैं उसको, और जब सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन हो तो उसे आंतरिक आपातकाल बोलते हैं। यदि डीप क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो यहां से बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मेरी बात समझे? यानी इन दो स्लाइड में आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल 19 पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी 358 के तहत जैसे ही 352 लगता है वैसे ही आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती। जैसे ही 352 समाप्त हो जाता है वैसे ही 19 अपने आप प्रभावित प्रभाव में आ जाता है, किसी आदेश की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, 44वें संशोधन द्वारा ये कहा गया कि भाई जो आर्टिकल 19 के जो 6 स्वतंत्रताएं निलंबित हो रही है ना, ये केवल बाह्य आपातकाल की कंडीशन में, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में ही निलंबित होंगी, आंतरिक आपातकाल की कंडीशन में निलंबित नहीं होंगी। मुझे ये बता दो बिल्कुल समझ में आया। अंकित क्या बोल रहे हो? मैम सरकार हमारी जेब पे भी आपातकाल, वो तो फिर एक अलग इशू है, महंगाई डायन खाए जात है। देखो इसमें कोई संदेह नहीं, आप किसी भी सरकार के समर्थक हो, अब हमको तो न्यूट्रल रहना पड़ता है भाई। हम मतलब एक बात ये है ना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यदि किसी सरकार का यहाँ पे गुणगान करूंगी वो मेरे पद को या मेरी पोजीशन को शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरे को न्यूट्रल होके किसी भी चीज को आपके सामने रखना है और आपको भी इसी तरीके से सिखाना है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है, महंगाई तो बढ़ ही रही है और बहुत ही खतरनाक स्तर पे बढ़ रही है ना। मतलब अपर मिडिल क्लास हिल जाता है तो फिर लोअर मिडिल क्लास और गरीबों का क्या हाल होता होगा, तो इसके ऊपर तो कंट्रोल रखने की जरूरत है ही, है ना, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे ये बता दो, महंगाई पे किसी और दिन बात कर लेंगे, आर्टिकल 19 के तहत जो 358 के तहत जो 19 पे प्रभाव पड़ा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ, कैसे भी घुमा के पूछ ले कि बना दोगे आंसर, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैं एक मिनट लूंगी। आदर्श पता है क्या कह रहा है, आदर्श कह रहा है अंकित भाई की, अंकित भाई को ना अपनी मतलब गर्लफ्रेंड का क्या करना होगा, रिचार्ज करवाना पड़ता होगा। भाई रिचार्ज तो आजकल ये होता है प्राइवेटाइजेशन का प्रभाव देख रहे हो आप प्राइवेटाइजेशन का प्रभाव क्या होता है, सीधा सीधा दिख रहा है। आज से 4 साल पहले जाओ, 5 साल पहले जाओ, जब नया नया जियो आया था, क्या किया, फ्री में बांटा सब कुछ, फ्री में क्या कर रहे हैं, पहले आप फ्री में यूज करो नेट को, लोगों को आदत पड़ गई। आज की डेट में जिसके पास एंड्रॉइड फोन है और नेट है वो सारा दिन स्टोरीज को स्क्रॉल करता रहता है, फेसबुक को स्क्रॉल करता रहता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता है, यही चल रहा है। तो पहले क्या हुआ, फ्री में नेट भर दो भाई, खुली छूट है, फिर धीरे धीरे उसका चार्ज किया 100 रुपए में अनलिमिटेड, फिर 200 रुपए में, और जैसे जैसे आदत लग गई लोगों को 300, 400, और आज की डेट में मेरे हिसाब से कल परसों ही मैंने रिचार्ज करवाया तो मुझे पता है, मुझे बड़ा मतलब झटका लगा यार, 750 रुपये लगभग, मतलब 5-10 रुपये आगे पीछे, लेकिन 700 से ऊपर है,
749 या 750 के आसपास का है, मतलब गजब कर रहे हैं भाई। यही है प्राइवेटाइजेशन, इसलिए खतरा होता है प्राइवेटाइजेशन का। यदि हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, तो प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, पहले आपको लुभाएंगी, पहले आपको सस्ते की आदत पड़वाएंगी, और जैसे ही आपको आदत पड़ गई तो फिर क्या होगा, सीमा को बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए। कोई भी प्राइवेट फर्म अपने प्रॉफिट को देखती है, वो आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसको नहीं देखेंगी। इसलिए बहुत खतरनाक है भारत जैसे देश में, जहां पे अभी भी गरीबी इतने बड़े स्तर पे है, बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पे है, भुखमरी है यार बहुत बड़े स्तर पे। आप यदि कुपोषण की रिपोर्ट देखो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बच्चे आज भी बड़े स्तर पे कुपोषित है भारत में। ऐसी कंडीशन में यदि आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ही नकारात्मक असर डालेगा जो बेसिकली गरीब लोग हैं इनके ऊपर। इनको तो मतलब कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, सोच के देखिए। तो इसलिए हर लेवल पे प्राइवेटाइजेशन बहुत खतरनाक चीज होती है। और एक वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, स्कूलों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तगड़े तरीके से। यार एक गरीब बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार है, उसके सपने मत तोड़ो यार, उसको भी आप पूरे देश के नेता हो ना, पूरे देश की पार्टी हो ना, तो आपको पूरे देश के बारे में सोचना होगा यार। बहुत गरीब बच्चे हैं, घर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास है ना, माँ बाप मजदूरी करते हैं, लेकिन सपने देखने का हक तो उनको भी है, पढ़ने का हक तो उनको भी है, उनके सपने मत छीनो। आप जो राइट टू एजुकेशन लेके आए, राइट टू एजुकेशन को आप इम्प्लीमेंट करो ना। आप सरकारी स्कूलों को इतना सक्षम बनाओ कि प्राइवेट की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आप तो फिर क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने पैसे बचाने के चक्कर में कि हमको तो टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है, हमको तो ये जो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है सरकारी कार्यों पे, सिर्फ ये पैसे बचाने के चक्कर में आप हजारों लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों के साथ खेल रहे हो। कभी माफ नहीं करेंगी पीढ़ियां आपको। मतलब मैं केवल इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूं, हर गवर्नमेंट जो भी इस तरीके का काम करे वो गलत है। भारत जैसे देश में जब तक कि गरीबी की जो सीमा है या गरीबी का जो परसेंटेज है उसको हम खत्म ना कर दे, कम ना कर दे, तब तक ये जो प्राइवेटाइजेशन है बहुत खतरनाक होने वाला है आगे आने वाले समय में। सरकारी स्कूलों की हालत देख रहे हो आप, वहां पे काम कर नहीं रहे हो, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हो, प्राइवेट शिक्षा को बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे सपने दबते हैं भाई, और बस क्या कर सकते हैं, लेकिन है ना। तो इसीलिए हर लेवल पे प्राइवेटाइजेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए भारत जैसे देश में समाजवादी जो विचारधारा है उसका रहना निजी एक निजीकरण के साथ साथ बहुत जरूरी है, मतलब दोनों का सापेक्ष में रहना बहुत जरूरी है, ताकि निजीकरण भी होता रहे और समाजवादी जो उद्देश्य है, यानी समाजवादी उद्देश्य का मतलब क्या है, कल्याणकारी राज्य है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा, तो दोनों का साथ साथ में चलना जरूरी है, जब तक कि हम न्याय को ना प्राप्त करें। ठीक है, तो रिचार्ज से बड़ा अच्छा मुद्दा याद दिलाया किसने, आदर्श ने। चलो भाई, आर्टिकल 358 समझ में आ गया, मुझे एक बार थम्स अप दे दो। अब बात करते हैं अन्य मूल अधिकारों का निलंबन, यानी बात करेंगे 359 की। राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इस बात को समझिए, 359 में दो चीजें याद रखनी है। एक तो 359 में आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी के सारे अधिकार आएंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये ना अपने आप निलंबित नहीं होंगे, जैसे आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो रहा था, ये अपने आप निलंबित नहीं होंगे। दूसरी बात, ये अधिकार निलंबित नहीं होते, ये अधिकार तो बने रहते हैं, अधिकार निलंबित नहीं होते, इन अधिकारों का न्यायालय में जाना, जैसे ये वाली लाइन देखो, अधिकार जीवित रहते हैं, अधिकार निलंबित नहीं होते 359 के तहत, जैसे आर्टिकल 19 निलंबित हो गया था, बल्कि केवल इसके तहत उपचार निलंबित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होता है, यानी राष्ट्रपति इसका उपचार निलंबित कर सकते हैं, यानी कि भाई आप इन अधिकारों के पाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो कोर्ट में जाने को निलंबित कर सकते हैं। जैसे 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है, तो 359
359 से संबंधित दो तीन बातें समझे, यानी 359 के तहत आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी के सभी अधिकार आएंगे। दूसरी बात, आर्टिकल 359 के तहत ये अधिकार खुद निलंबित नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित होते हैं। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भी ये अधिकार निलंबित नहीं होते बल्कि इनका लागू होना निलंबित होता है। ये अधिकार निलंबित नहीं होते बल्कि इनका लागू होना निलंबित होता है। मेरी बात समझ में आई? यानी अधिकार जीवित रहते हैं, बस उनका उपचार निलंबित हो जाता है। मान लो आपका आर्टिकल कोई भी, मान लो कोई भी अनुच्छेद ले लो, कि आप अधिकार तो बना रहेगा, बस उस अधिकार को लेने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते उस ड्यूरेशन में, है ना, 359। और ये राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होगा। बताओ भाई, समझ में आया? लागू होना निलंबित होता है, बिल्कुल सही बात है मनीष, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 359 क्षेत्र के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगे। पहली बात तो आपको पता है, राष्ट्रपति 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल 20 और 21 के तहत आप, यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, इनका लागू होना निलंबित नहीं होगा। और साथ ही दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये वही बात है, मतलब आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपातकाल में भी प्रभावी रहती है। मान लो यदि आपातकाल में आर्टिकल 21 निलंबित होता, यानी आर्टिकल 21 की भी छिन जाने का खतरा होता, तो फिर क्या होता? सत्ता पक्ष किसको निपटाता? सबसे पहले विपक्षियों को निपटाता। ढिशक्याओं, खेल खत्म। अब हम ही रहेंगे सत्ता में, यही होता ना भाई। जीवन का अधिकार अगर छिन जाता तो ये तो बहुत ब्लंडर होता। तो इसलिए याद रखना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया गया है, ठीक है, समझ में आया। अब अगली बात क्या है, यदि 358 को आपने अच्छे से समझ लिया, 359 को अच्छे से समझ लिया, तो दोनों में डिफरेंस बताने में आपको कभी भी कठिनाई नहीं होगी। क्या अंतर है दोनों में? तो पहली बात तो जी, 358 केवल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश से निलंबन हो। समझ में आया? यानी 358 के तहत 19, 359 के तहत बाकी के फंडामेंटल राइट। अगला, 358 के तहत जो 19 है वो जैसे ही आपातकाल लगेगा वैसे स्वयं ही निलंबित हो जाएगा। जैसे ही आपातकाल लगा वैसे ही 19 गया, मेरी बात समझे। उसके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति की अलग आदेश की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपातकाल लगेगा वैसे ही 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, जबकि 359 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन स्वतः नहीं होता, यानी उनका निलंबन अपने आप नहीं होता, राष्ट्रपति के अलग आदेश की जरूरत होती है उनका निलंबन करने के लिए। बिल्कुल क्लियर है दोनों, ठीक है। अब अगली बात है, दो डिफरेंस समझ में आ गए। अगला है, 358 केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है, ना कि आंतरिक आपातकाल में, जबकि 359 बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों में लागू होता है। यानी 358 के तहत जो आर्टिकल 19 जाता है वो केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण की कंडीशन में ही जाएगा, यानी केवल बाह्य आपातकाल में ही जाएगा। लेकिन 359 के तहत जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों में समान ही प्रभाव रहता है, ठीक है। 358 और 359 में एक समानता ये भी है, वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्ति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित है, उनको नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए गए कार्य दोनों संरक्षण देते हैं। राष्ट्रीय, इसकी समाप्ति हम कर दें, फिर आएंगे राष्ट्रपति शासन पे। मुझे ये बता दो भाई, 358 पूछ ले, 359 पूछ ले, कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से फंडामेंटल राइट निलंबित होंगे, निलंबित होंगे कि उनका लागू होना निलंबित होगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को? एक बार मुझे थम्स अप दे दो, बताओ बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आपातकाल की समाप्ति। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय, पहली बात तो आपातकाल की जो उद्घोषणा है ना, इसको किसी भी समय राष्ट्रपति अपनी दूसरी उद्घोषणा के द्वारा वापस ले सकते हैं। मान लो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे, भाई साहब
विकट स्थितियां टल चुकी है और फिर अब हम अपने राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, यानी उद्घोषणा के द्वारा इसको वापस ले लिया। ऐसी उद्घोषणा हेतु संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। मान लो उद्घोषणा तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे थे तब भी कर रहे थे राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, उसके बाद संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन कर रहे थे जब लागू कर रहे थे। लेकिन वापस लेने में संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए केवल लोकसभा क्या कर सकती है, इस मतलब लोकसभा के अनुमोदन की जरूरत होती है, वो भी साधारण बहुमत के द्वारा। ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त आपातकाल की समाप्ति के लिए लोकसभा कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है। मान लो राष्ट्रपति उद्घोषणा ना करे तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है, लोकसभा एक लिखित नोटिस जारी कर सकती है जिसमें आपातकाल समाप्त करने का जो संकल्प हो कि भाई हम आपातकाल समाप्त कर रहे हैं। मान लो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं, तो ऐसे में लोकसभा भी शुरुआत कर सकती है। और लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा को कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति है, वो इसे समाप्त करने का संकल्प ला सकती है। इसके लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग का हस्ताक्षर होना चाहिए। मान लो लोकसभा में 550 सदस्य हैं तो 10वां हिस्सा यानी 55 सदस्यों का इस प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह संकल्प लोकसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा है तो संबोधित होना चाहिए। ये जो संकल्प होगा ना जिसपे लोकसभा के 1/10 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए होंगे, ये लोकसभा अध्यक्ष को जाएगा, यदि सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के लिए इस प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकते हैं। दो तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। एक तो राष्ट्रपति अपनी सामान्य अधिघोषणा के द्वारा कह दे भाई राष्ट्रीय आपातकाल वापस लिया जाता है। यदि ये पॉसिबल नहीं है, मान लो राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, राष्ट्रपति नहीं ले रहे हैं उद्घोषणा को वापस, तो ऐसे में लोकसभा कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है। लोकसभा के 1/10 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पे, उसको लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, पेश करेंगे उस संकल्प को, और साथ ही सामान्य बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देंगे तो भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। इसको दो तरीके से वापस लिया जा सकता है। और आप ये ध्यान रखना, जैसे मैंने दो डिफरेंस पहले बताए थे ना, वो डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई जहां राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की जरूरत होती है, तो इसको वापस लेने के लिए केवल लोकसभा के सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, और राष्ट्रपति भी एक अलग अधिघोषणा के द्वारा इसे वापस ले सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने जब उद्घोषणा कर दी तो उसके बाद लोकसभा यदि सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। मुझे ये बता दो, मैं एक बार इसको रिवाइज करा दूं अच्छे से, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आई, मैंने बोला था क्लास में ही चीजें याद होंगी, मैं फिर से बता रही हूँ। भाग 18 352 से 360 हमने भारत शासन अधिनियम 1935 जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। तीन तरीके के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य या राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। हमने आज पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें हमने देखा 352, तो 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में लगता है। शुरुआत में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, आंतरिक अशांति था। 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पे हमने क्या ले आए, सशस्त्र विद्रोह ले आए। उसके बाद हमने देखा कि भाई सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल की उद्घोषणा को आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, और युद्ध और बाह्य आक्रमण लगे तो बाह्य आपातकाल कहा जाता है। पूरे देश में भी लग सकता है, देश के किसी भाग में भी लग सकता है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही लगेगा। पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पे लग सकता था, लेकिन अब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही लगेगा 44वें संशोधन के द्वारा, और 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना होगा विशेष बहुमत के द्वारा। बात समझ में आई, 1 महीना विशेष बहुमत, और यदि लोकसभा का विघटन है तो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा पारित करेगी, और जब लोकसभा आएगी नई लोकसभा तो 30 दिन के अंदर लोकसभा भी पारित करेगी। ये 2-4 कंडीशन होती है, लग गया। अब ये 6 महीने तक कंटिन्यू लागू रहेगा, लेकिन हर 6 महीने बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसे बढ़ाया जाएगा, और इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं, अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हर 6 महीने के बाद इसे बढ़ाना पड़ेगा। पहला जो यदि हम देखें तो विशेष बहुमत द्वारा पारित थे, जब इसे वापस लेना होता है तो 2 डिफरेंस होते हैं भाई। जब हम इसे लागू कर रहे हैं तो संसद के दोनों सदनों की जरूरत होती है, वापस ले रहे हैं तो केवल लोकसभा की जरूरत होती है।
जब हम इसे लागू कर रहे हैं तो विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जब इसे वापस ले रहे हैं तो साधारण बहुमत की जरूरत होती है। केंद्र राज्य संबंधों पर यदि प्रभाव पड़े तो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगे लेकिन निलंबित नहीं होंगी, और संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने में सक्षम हो जाती है, और ये कानून बेसिकली ये क्या नाम है आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। वित्तीय संबंधों पे प्रभाव देखे तो केंद्र राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को कम कर सकता है, समाप्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। यदि कार्यकाल पे देखे तो भाई 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ेगा और इस कार्यकाल को अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। संसद बढ़ाएगी अपना कार्यकाल भी और राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बोल रहे हो मैम, अगर लोकसभा विघटित है तो क्या राज्यसभा अनुमोदन दे, बिल्कुल अनुमोदन दे सकती है। वही तो मैंने रामजपाल बताया, यदि संसद मान लो लोकसभा विघटित है तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा को विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन देना चाहिए, और जब लोकसभा पुनर्गठित हो जाएगी तो लोकसभा मान लो जब आ गई तो फिर लोकसभा 1 महीने के अंदर उसे अनुमोदन दे। समझ में आया हो तो राज्यसभा इसे एंड कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, लोकसभा का खत्म राज्यसभा नहीं कर सकती, ध्यान रख लेना, वो स्पेशल प्रोविजन है, राष्ट्रपति और लोकसभा के माध्यम से ही खत्म होता है, ठीक है करण, ध्यान रखना बच्चे, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है और ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है, है ना, समाप्त होने की कंडीशन के लिए। अच्छा हाँ, ये तो बन ही नहीं सकता भाई, लॉजिकल सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, क्या सोचोगे लॉजिकल, एक बात बताओ, लोकसभा विघटित हो ही नहीं सकती ना, कैसे आप कहोगे मैम कैसे नहीं हो सकती, समाप्त लागू होने के समय भले ही विघटित हो लेकिन जब पुनर्गठित हो गई तो 30 दिन के अंदर क्या किया, अनुमोदन दे दिया लोकसभा ने, लेकिन अब लोकसभा अपना कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाती जा रही है, तो ध्यान रख लेना करण बच्चे, आपका क्वेश्चन ही गलत था। मान लो लोकसभा जब आपातकाल लागू हुए 3 साल हो गए या 10 साल भी हो गए, लोकसभा तो हर साल अपना कार्यकाल बढ़ा रही है ना, तो लोकसभा विघटित हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये प्रोविजन किया ही नहीं गया संविधान के द्वारा। मेरी बात समझ में आई, विघटित होगी ही नहीं वो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो तो अपना कार्यकाल हर 1 वर्ष बाद बढ़ाएगी ना, ठीक है ध्यान रख लेना, इसलिए ये कंडीशन नहीं बनती कि मैम समाप्ति के समय लोकसभा विघटित हो, समाप्ति के समय लोकसभा विघटित हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यकाल बढ़ रहा है, हर 1 वर्ष में बढ़ रहा है ना, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को इनके कार्यकाल का प्रभाव देखा, मूल अधिकारों पे 358 के तहत आर्टिकल 19 जाता है, 359 के तहत 19, 20, 21 को छोड़ के बाकी सारे अधिकार जाते हैं, 358 बेसिकली स्वतः निलंबित हो जाता है, किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती, और 358 के तहत आर्टिकल 19 केवल बाह्य आपातकाल में यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण में प्रभावित होगा, सशस्त्र विद्रोह में नहीं। लेकिन यही सारी चीजें आपने देख ली कि भाई वो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा लागू होना निलंबित करते हैं, ये स्वतः है निलंबित हो जाता है, इतना मैंने आप लोगों को अंतर भी बता दिया बहुत ही डिटेल वे से, और इसकी समाप्ति भी बता दी कि भाई कभी भी वापस ले सकते हैं, संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, वापस लेने में संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, इसके अतिरिक्त आपातकाल की समाप्ति के लिए लोकसभा भी पहल कर सकती है, लोकसभा अपने 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर को पेश करेगी राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, और साधारण बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर देती है तो भी आपातकाल की समाप्ति हो जाती है। मुझे बता दो आपातकाल क्या है, कब लगा, कैसे लगा, क्या प्रभाव पड़ा, अलग अलग क्या क्या प्रभाव पड़ा, निलंबित नहीं होती है, ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज होते हो इस पॉइंट पे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया सब बच्चों को, बिल्कुल अच्छे से, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई भी डाउट यदि आप लोगों को है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं अभी आप लोगों का क्वेश्चन ही देख रही हूँ, बिल्कुल क्लियर हुआ। पीडीएफ या टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, मेरा टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, जिस चैनल से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा कहाँ से हुआ, हमारा है बेसिकली, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ललिता दहिया अकेडमी के नाम से, ठीक है। राज्यसभा आपातकाल वापस ले, बिल्कुल नहीं प्रवीण, नहीं ले सकते, राज्यसभा को कोई राइट नहीं है, ठीक है बच्चे, राज्यसभा को आपातकाल वापस लेने का राइट नहीं है। दोस्तों फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, जनवरी तक यदि आप मेरे साथ लगे रहते हो इस ऐप पे, मतलब अलग अलग हम टॉपिक विद आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि आप 2023 में क्या कमाल कर सकते हो, ठीक है ध्यान रखना,
पॉलिटी का बैच चल रहा है मेंस का, जिसमें आंसर राइटिंग करंट सब कुछ चल रहा है, मात्र 2100 रुपये में आंसर राइटिंग के साथ ही, और साथ ही IR का बैच चल रहा है मात्र 1625 रुपये में। तो आप जुड़े, ललित अधैया अकेडमी ऐप को आज ही इंस्टॉल करें, साइन अप करें और बैचेस से जुड़े। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे बैच हैं। इसके अलावा जिस भी बच्चे का इतिहास वैकल्पिक विषय है वो मुझसे इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं। 22 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उतना जल्दी मैं पहले भी क्लासेस शुरू करा सकती हूँ। याद रखिएगा, इतिहास ऑप्शनल आप अगर पढ़ेंगे तो, यदि आपका इतिहास ऑप्शनल है तो आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं मात्र 8000 रुपये में, कंप्लीट ऑप्शनल, जिसमें चारों पेपर आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो फटाफट ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें, ठीक है, और जुड़े मेरे साथ मेंस के प्रोग्राम्स, ठीक है, ताकि जनवरी तक हम मेंस को बहुत ही डेडिकेटेड वे से मतलब बेसिकली लें और खत्म करें उसको। फिर 10-20 जनवरी के आसपास से तो हम मेंस फोकस्ड, सॉरी PT फोकस्ड हो जाएंगे, है ना। तो बाकी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऋतिक, मैंने आपको बोला था आप कॉल कर लेना, क्यों ओपन नहीं होता, सबका ओपन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर कर दिया करो गुरुओं, ठीक है, मेरे प्रचार का माध्यम आप ही हो। यदि आपको सच में समझ में आ रही है चीज़ें और मैं इजी वे से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा प्रमोट करने का हक आपका भी, मतलब हक नहीं, दायित्व आपका भी है। तो अपने दायित्वों का निर्वहन करो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द